ॐ नमः शिवाय श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः माता रामो मद पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभाग्यम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम वरदानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हमारे आराध्य अनंत बलवंत संत केसरी नंदन श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की युगल युगल चरणारविंद जगत नियंता जगताधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम के युगल युगल चरणारविंद। आइए आज मेरे मन में विचार आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी श्री राम कथा का रसास्वादन हम सभी मिलकर के करें, इसलिए हमने ये विचार किया और आज विचार किया जाए भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करते हैं जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है। इसलिए बाबा की लेखनी उठी और संत तुलसी ने लिख दिया कि करही सदा तीन की रखवारी अजिमि बालक रा कहीं महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है और उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। निवेदन करूं, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल एक बात बताओ। अकबर ने जब कहा, बीरबल ने कहा कि जी बताइए। अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि बीरबल हमारे समझ में एक बात नहीं आती है। बीरबल ने कहा कौन सी? उस समय अकबर ने कहा कि हमारे जो अल्लाह है ना, जो हमारे भगवान जो हैं, उनके भक्तों के ऊपर, हमारे जो खुदा हैं उनके भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है ना, तो वो अपने बंदों को भेज देते हैं कि जाकर के मेरा भक्त इस समय संकट में है, जाकर के आप रक्षा करिए। यानी हमारे जो खुदा हैं वो किसी न किसी बंदे को भेज करके अपने भक्तों की रक्षा करा लेते हैं, लेकिन वो कभी स्वयं धरती पर नहीं आते हैं। लेकिन बीरबल एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे जो भगवान हैं उनके पास कोई सेवक नहीं है क्या, उनके पास कोई बंदे नहीं है क्या जिनको कि भेज करके अपने भक्तों की रक्षा को करा लें। वो स्वयं कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में वो स्वयं क्यों चले आते हैं, उनके पास कोई सेवक नहीं है। जिस समय अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको कल दूंगा। बीरबल ने कहा कि मैं कल दूंगा। अकबर ने कहा कि ठीक है। जब सुबह हुआ तो
बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज मेरा विचार कर रहा है कि नौका विहार किया जाए, नाव में बैठ करके राज्य का भ्रमण करके देखा जाए कि नदी के किनारे जो हमारा राज्य है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। अकबर ने कहा कि ठीक है। दो नाव तैयार हुई, एक नाव पर अकबर और बीरबल और अकबर का बेटा बैठ गया और दूसरे नाव पर, क्योंकि अकबर राजा था तो राजा के सुरक्षा गार्ड जो थे, अकबर के जो सैनिक थे, जो सुरक्षा करने वाले थे, जो उनके एसपीजी कमांडर थे, वो एक नाव पे बैठ गए और एक नाव पर अकबर, बीरबल और अकबर का बेटा बैठ गया। और जब नाव बीच मझधार में गई ना, तो बीरबल ने क्या किया कि अकबर के बेटे को उठा करके उसी नदी में फेंक दिया। और जब नदी में फेंक दिया तो अकबर तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसके बाद तुरंत नदी में कूद करके अपने बेटे को बचा करके बाहर ले आया और आकर के बाहर बीरबल को डांटने लगा। और अकबर कहने लगा कि अरे बीरबल, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मूर्ख हो गए हो क्या, तुमने हमारे बेटे को उठा करके नदी में फेंक दिया, कहीं मेरा बेटा डूब गया होता, मर गया होता तो क्या होता। अकबर ने जब डांटा तो बीरबल ने कहा कि सही बात कह रहे हैं महाराज, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए। बीरबल ने जब कहा कि एक बात मुझे बताइए, अकबर ने कहा कि पूछो। उस समय बीरबल ने कहा कि बात ठीक कह रहे हैं, यदि आपका बेटा नदी में आप नहीं बचाए होते तो डूब गया होता, तो ये आपके सैनिक वहां क्या कर रहे थे? आपने अपने सैनिकों से क्यों नहीं आदेश दिया कि मेरा बेटा डूब रहा है, मेरे बेटे को आप कभी बचाइए, आप स्वयं क्यों कूद गए? उस समय बीरबल ने जब प्रश्न किया तो अकबर ने कहा कि बीरबल, मैंने इसलिए आदेश नहीं दिया क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि ये मेरे बेटे को बचा पाएंगे कि नहीं। उस समय बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं तो यही बात कहना चाह रहा था कि मेरे भगवान के पास भी सैनिक हैं, मेरे भगवान के पास भी एक एक से सैनिक हैं जो भेज करके अपने भक्तों की रक्षा को करा सकते हैं, लेकिन जब मेरे भगवान के भक्त जब संकट में होते हैं ना, तो हमारे भगवान को विश्वास नहीं होता अपने सैनिकों पे कि ये जा करके मेरे भक्त को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। इसलिए हमारे भगवान स्वयं कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में आकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं कि करहिं सदा तीन की रखवारी, और जिमी बालक रा खे महतारी। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ अपने बेटे की रक्षा कैसे करती है। निवेदन करूं, जब माताएं अपने बेटे को लेकर के मालिश करती हैं ना, और जब मालिश करती हैं तो वो बेटा बार बार अपने पैरों को चलाता है, वो पैर जाकर के माँ के हृदय पे लगता है, माँ के सीने पे लगता है। और जिस समय सीने पे लगता है ना, तो माँ उस पैर को लेकर के चुंबन करती है, और जब चुंबन करती है तो एक महात्मा ने इस दृश्य को देख लिया और वो संत आकर के मैया से कहने लगे कि अरे माँ, तू कितनी कोमल है और ये तुम्हारा बेटा जो है ना वो कितना क्रूर है कि आप तुम्हारे हृदय पे बार बार प्रहार कर रहा है, उसके बाद भी तुम उसके पैर में चुंबन कर रही हो। उस समय मैया ने कहा कि नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे का जो चरण है, पैर है ना, वो कोमल है और मेरा जो हृदय है कठोर है, कहीं कठोर हृदय से कोमल चरण में चोट ना आ गई हो, इसलिए मैं अपने मुंह से चुंबन करके सेकैया करने का कार्य कर रही हूं। बाबा की लेखनी उठी और बाबा ने लिख दिया कि करहिं सदा तीन की रखवारी, और जिमी बालक रा कहीं महतारी। तो जिस प्रकार से माँ अपने
बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमारे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि यदि ये अनमोल जीवन है, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। इसलिए इस परमात्मा ने जो 24 घंटा दिया है, उसमें से अपना कार्य करते हुए भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम और आप कितना हो कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ का यहीं रह जाएगा। हमने जो भगवत भजन किया, हमने जो अच्छा काम किया, हमने जो दूसरे की मदद किया, यही हमारे साथ परम धाम तक जाएगा। बोलिए सिया बलराम चंद्र भगवान की जय।